राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नात है, सोते रोवाधीन सोते रो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, हे भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंदा
नंदलाला बज मुरली मनोहर नंदलाला बज कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम्
प्रमाणममलम् प्रेमापुमल्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतांबर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूरणेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने कह रारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भक्त्या विहीना अपराधलक्षे शीताश्च कामा दितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से यूट्यूब फेसबुक आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं स्वाप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के
पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। सो इस संसार में सब कुछ भगवान का है, सभी वस्तु भगवान से जुड़ी हुई है। भगवान से उस वस्तु का क्या संबंध है, कनेक्शन है, उसे जानकर और उस अनुसार उससे व्यवहार करना ये बुद्धिमानी है, ये शुद्ध भक्तों का कर्तव्य है। मैं चंडीदास की कथा सुनाऊंगा, चंडी देवी के उपासक अद्भुत, और किस प्रकार से महाप्रभु उनकी रचना सुनते थे, तो ये सारी बातें हैं। खैर, तो भगवान श्री कृष्ण की पावन पवित्र हम गाथा सुन रहे हैं। कृष्ण ने तृणावर्त का उद्धार किया और तृणावर्त कंस के द्वारा भेजा गया ये असुर ब्रज में आ गया। गत सत्र में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहा रासीन अर्भकम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देत्यो नामना तृणावर्त, तृणावर्त नाम का एक देत्य कंस भृत्य कंस का सेवक था, और प्रणोदित कंस, प्रणोदित कंस ने उसे भेजा था। कंस के पास तीन असुर सबसे अधिक शक्तिशाली थे, उन तीनों में से एक नंबर तृणावर्त का था। तो तृणावर्त गोकुल में आया, कैसे आया? चक्रवात स्वरूपेण, चक्र के समान भवंडर बनाते हुए, पूरे गांव के गांव को उजाड़ते हुए, पूरे बड़े बड़े वृक्ष पेड़ पौधों को उखाड़ते हुए तृणावर्त मथुरा से गोकुल में पहुंचा। और इतनी आंधी चली, इतना तूफान चला, इतनी धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी, इतने तृण उड़े कि सबकी आंखें बंद हो गई, सब धुंधला हो गया, काला काले, बिल्कुल काला काला छा गया। और उस परिस्थिति में यशोदा लोग, गोपी गोप, किसी एक दूसरे को, स्वयं अपने हाथ को भी नहीं देख पाए। और ऐसी परिस्थिति में यशोदा ने कृष्ण को भूमो ददो, कलम ने सुना था, भूमि के ऊपर कृष्ण को जहां छोड़ा था तृणावर्त, वहां से कृष्ण को उठा लिया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं जहा रासीन अर्भकम, उस अर्भक, उस कृष्ण को जहार वहां से उठाकर लेकर चला गया। जब तृणावर्त कृष्ण को लेकर चला गया, तब कृष्ण को कैसे ले गया, तो अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। गोकुलम सर्वमावृणन मुष्णम चक्षुन शिरेणुभिः ईरयन सुमहाघोर, ईरयन सुमहाघोर शब्देन प्रदिशो दिश, शब्देन प्रदिशो दिश। सुतृणावर्त कृष्ण को कैसे उठा ले गया, तो कहते हैं गोकुलम, तृणावर्त गोकुल में आया और सर्वम आवृण आव आवृणवन, सर्वम आवृणवन, सबको आवृत कर लिया, अर्थात पूरे गोकुल को ढक लिया। तृणावर्त ने अपने बवंडर से सर्वम, पूरे सर्व, पूरे गोकुल को ढक लिया। और इसलिए मुष्णम चक्षुंशी, गोकुल वासियों की आंखें, मुष्णन, मुष्णम माने बंद हो गई, माने गोकुल वासियों की आंखें कुछ देख नहीं पाई। तो मुष्णम चक्षुंशी, आंखें बंद हो गई, क्यों? क्योंकि रेणु भी, उस तृणावर्त ने अपने बवंडर से आंधी तूफान से बहुत रेणु को, धूल को उड़ाया था। सो रेणु भी इरियन सुमहाघोर, धूड़ मिट्टी आदि उड़ने के कारण मुष्णम चक्षुंशी, सबकी आंखें बंद हो गई। और इरियन सुमहाघोर, और महाघोर जोर जोर से आवाज होने लगी। कहां से आवाज हुई? शब्देन प्रदिशो दिशः, प्राची दिशा से घोर आवाज होने लगी, अर्थात ब्रजवासियों की आवाज होने लगी। जब इस प्रकार से बवंडर आया, आंखें बंद हुई, धूल उड़ने लगी, तो सारे ब्रजवासी आवाज करने लगे। लेकिन यहां क्या लिखा? प्रदिशो दिशः, प्रदिशा से आवाज होने लगी। तो आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा, प्रदिशो विदिश आग्नेय कोण, अर्थात अग्नि कोण से
मतलब 8 दिशा होती है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि निवृत्त वायव्य, ऐसे कुछ 8 दिशा और ऊपर और नीचे टोटल 10 दिशा होती हैं। तो आग्नेय कोण अग्नि कोण से आवाज़ आने लगी। तो यहाँ पर एक आचार्य कहते हैं कि प्रदिश अर्थात देवताओं को रहने की दिशा, जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ साधु संत महात्मा रहते हैं, उस दिशा से आवाज़ आने लगी, अर्थात भक्तों की आवाज़ आने लगी। भक्तों को बड़ी परेशानी हुई, ब्रजवासी जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर क्या हुआ, तो आगे कहते हैं, मुरुहूतम भवद गोष्ठम रजसा तमसा आवृतम सुतम यशोदा नापश्य तस्मिन्नया तवतियत। मुरुहूतम अभवद गोष्ठम, कहते हैं वह तृणावर्त का वह बवंडर कितने समय तक चला, तो कहते हैं मुरुहूतम अभवद गोष्ठम, अर्थात दो मुरहूत तक ये बवंडर चला, अर्थात 1.5 घंटे तक ये आंधी चलती रही। वो चक्रवात जो है ना, ऐसे 1.5 घंटे तक पूरे गोकुल में घूमता रहा। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ अमेरिका फ्लोरिडा में आता है ना, हरिकेन आता है, केवल 2-5 मिनट भी होकर चला जाता है, तो आज की ऐसी व्यवस्था है फिर भी पूरे गांव के गांवों को उड़ा देता है, पूरे घरों को उड़ा देता है। वह तो 5,000 वर्ष पुराना गांव था। 1.5 घंटे तक ये तृणावर्त रहा तो पूरा गांव तहस नहस कर दिया। तो मुरहूतम अभवद गोष्ठम रजसा तमसा वृतम, और इसलिए 1.5 घंटे तक रजसा और तमसा, रजसा माने रज, रजसा माने इतनी सारी रज उड़ी, और तमसा इतना अंधेरा हो गया। तो रजसा और तमसा, रज उड़ने के कारण, तमसा अंधेरा होने के कारण, सुतम यशोदा न पश्यन, माँ यशोदा ने अपने सुत अपने पुत्र को नहीं देखा, माँ यशोदा अपने बेटे को नहीं देख पाई। भक्तों, लीला के द्वारा एक बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है। इस श्लोक के अनुसार आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि यशोदा सुतम न अपश्यत, माँ यशोदा ने अपने सुत अपने बेटे को नहीं देखा, माने यशोदा ने कृष्ण को नहीं देखा, यशोदा कृष्ण को नहीं देख पाई। हम और आप भी आजकल बहुत मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? यशोदा जैसी यशोदा भी कृष्ण को देख नहीं पाई, हम और आपकी क्या बात। कारण, कारण रजसा तमसा आवृतम, कारण कि माँ यशोदा रजसा तमसा, रज और तमस से आवृत हो चुकी थी। भक्तों, ये रजस और तमस यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हाथ में आए हुए भगवान भी चले जाए। कृष्ण तो यशोदा के पास ही था, यशोदा के साथ ही था, लेकिन हाथ में आए हुए ईश्वर को खो चुकी यशोदा। क्यों? क्योंकि रजसा तमसा आवृतम, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में आवृत हो गई। यशोदा के लिए रजोगुण तमोगुण नहीं है, यशोदा के लिए तो रज माने धूल, तम माने अंधकार, लेकिन हमारे लिए क्या है, रजोगुण और तमोगुण में आवृत होने से न अपश्यत सुतम, हम हमारे वास्तविक सुत लड्डू गोपाल को या कृष्ण को या लाला को हम देख नहीं पाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा, अर्जुन त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तमोगुण से मुक्त हो जाओ, रजोगुण से मुक्त, यहाँ तक सत्वगुण से भी मुक्त होना है, जब तक इन 3 गुण से मुक्त नहीं हो गए मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे।
यशोदा जैसी यशोदा भी रजोगुण और तमोगुण के कारण आवृत होने के कारण कृष्ण को नहीं देख पाए। हमारे जीवन में भी जब तक रजोगुण है, तमोगुण है, यहाँ तक सत्वगुण भी है, हम ईश्वर को नहीं देख पाएंगे। ईश्वर को देखने के लिए शुद्ध सत्व चाहिए और शुद्ध सत्व प्राप्त होता है शुद्ध भक्ति करने से। ये आजकल हम जो भक्ति करते हैं ना, आप तो बहुत अच्छी करते हैं, मेरी बात कर रहा हूँ, हमारी आया राम गया राम भक्ति, हमारी ये ढीली ढाली भक्ति से कोई भगवान का दर्शन नहीं होने वाला, ऐसे अनेकों जन्म बीत जाए। ये तो प्रैक्टिस है, आगे चलकर हमें स्ट्रांगली भगवान की भक्ति करनी है, सिंसियर होकर भक्ति करनी है, नहीं तो रजसा तमसा आवृतम सुतम न पश्यत, रजोगुण तमोगुण से आवृत होने से हम नहीं देख पाएंगे। भक्तों, सिद्धांत यह है कि ये जो हमें इंद्रियां मिली है, इन इंद्रियों की स्वाभाविक आदत, इंद्रियों का स्वभाव है कि वो स्वाभाविक भगवान को नहीं देख सकती। इंद्रिया का स्वभाव है निरंतर भोगों में रहना। अब ये हमारी इंद्रियों को छोड़ दो तो ये भगवान की ओर नहीं बढ़ेगी। भगवान की ओर बढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा प्रेशर करना होगा, जोर लगाना होगा, है ना। अब देखिए, कथा सुनने के लिए कितना कितना कहा जाता है, बोला जाता है, अपने आप को तैयार किया जाता है, लेकिन हरिनाम लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत। लेकिन यदि टीवी देखना है तो करो जूम बंद, करो यूट्यूब बंद और सीधा टीवी शुरू कर दो। भोग भोगने में कोई 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 कष्ट नहीं, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव हो चुका है भोग भोगना। हमारी इंद्रियां स्वाभाविक भोगों की ओर बढ़ती हैं, स्वाभाविक रजोगुण और तमोगुण की ओर आगे बढ़ती है, और इसलिए हमें प्रयास करके, मेहनत करके रजोगुण और तमोगुण को त्यागना है। कृष्ण ने कहा, जब तक रजोगुण तमोगुण नहीं त्यागेंगे, भगवान नहीं दिखने में आएंगे। तो अब प्रश्न ये भी है ना कि ये रजोगुण और तमोगुण आता कहाँ से है। ये रजोगुण और तमोगुण कर्म के अनुसार आता है, इस जन्म के पूर्व कर्म या पूर्व जन्म के कर्म। कर्म ही रजोगुण और तमोगुण में हमें डालता है। किसी के कर्म इतने बुरे होते हैं कि बस रात दिन तमोगुण में पड़े रहते हैं। कुछ लोग के थोड़े अच्छे तो तमोगुण और रजोगुण दोनों मिक्स होता है, कुछ लोग के और थोड़े अच्छे केवल रजोगुण, कुछ लोग के और थोड़े अच्छे रजोगुण और सत्वगुण, कुछ लोग के और अच्छे केवल सत्वगुण में। ये कर्म का खेल है। कर्म से हमें ये सत्वगुण और रजोगुण मिलता है। तो हमारे कर्म में रजोगुण तमोगुण आदि लिखा है और हमें उससे बचना है तो क्या करना चाहिए? केवल एक ही उपाय है और बिल्कुल सरल उपाय है। आपके मन में कितना भी रजोगुण हो, कितना भी तमोगुण हो, अपनी ओर से प्रयास करोगे वह दूर नहीं होगा। लेकिन एक सरल उपाय है कि चाहे कितना भी रजोगुण हो, तमोगुण हो, अपने आप को साधु संतों के साथ बिठा दो, भक्तों के साथ बिठा दो। ताकत है तमोगुण की, ताकत है रजोगुण की कि वो आपको आवृत कर सके। अभी देखिए, भारत में लगभग, भारत में अभी 11 बजे होंगे, ठीक है, रात, भारत में लगभग रात को 11 बजे होंगे। अब ये रात का 11 बजना, ये टोटल तमोगुण का समय है। अंधकार हो चुका है और अंधेरा जो है ना, आसुरी शक्ति का माना जाता है, और पाप तो अंधेरे में ही होते हैं, कंफर्टेबली अंधेरे में होते हैं। तो ये रात के 10-11 बजना, ये तमोगुण समय है और यहाँ अंधकार है और पाप करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन ऐसे 11 बजे भी आप भागवत कथा में बैठे हो, हो सकता है कि आपके कर्म में तमोगुण था। यदि कथा बंद कर दो, ये सत्संग बंद कर दो, तो हो सकता है हम तमोगुण में चले जाए। लेकिन भक्तों के साथ अपने आप को बिठा दिया तो तमोगुण दूर हो गया। ये रजोगुण तमोगुण, ये बुरे गुणों को दूर करने का सरल उपाय है, अपने आप को साधु संतों के साथ बिठा दो। यदि हम यहां न होते तो हो सकता है कितने पाप कर रहे होते, रजोगुण और तमोगुण में आविष्ट होकर किसी पर क्रोध कर रहे होते, अनेकों प्रकार के पापों में फंसे होते।
लेकिन चलो कथा में बैठ गए, भले कथा में कुछ समझ में भी ना आए, लेकिन साधुओं के साथ बैठ गए, भक्तों के बीच में बैठ गए, ये बुरे गुणों से हम मुक्त हो गए, बुरे गुणों से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए साधु संतों की संगति करनी चाहिए और इन गुणों से मुक्त होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सिखाया है, क्या सिखाया है, कि जो तमोगुणी है उसे रजोगुण की ओर आगे बढ़ना चाहिए, रजोगुणी व्यक्ति को सत्वगुण की ओर आगे बढ़ना चाहिए, सत्वगुणी व्यक्ति को शुद्ध सत्व की ओर आगे, सबको प्रोग्रेस करना है। जैसे आप किसी विद्यालय को देखो, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को देखो, तो जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ये सबके मन में क्या है, हम आगे बढ़े, हम प्रति वर्ष एक स्टैंडर्ड एक ग्रेड आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार कृष्ण कहते हैं कि विद्यार्थी की तरह स्टूडेंट की तरह हम सबको गुणों की ओर प्रोग्रेस करना है, हम सबको आगे बढ़ना है। अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको बताऊं, मैं हूं तुमने कहो तुम्हें सामने तुम्हें हम जो हमारी सामने जो हो तुम्हें हमारे गुजराती में मारी सामने जो हो तुम्हें तुम्हें हम जो हूं तुमने कहो शू कहो। तो भगवान ने वेद बनाए, ये भगवान ने ये सारे वेद शास्त्र लिखे, गरुड़ पुराण लिखा, विष्णु पुराण लिखा, इवन शिव पुराण भी भगवान ने ही लिखा, इवन देवी भागवत भगवान ने लिखा, ये सारे 18 पुराण स्वयं भगवान ने लिखे। और इस 18 पुराण में कुछ पुराण तमोगुणी पुराण है, कुछ रजोगुणी पुराण है, कुछ सत्वगुणी पुराण है, कुछ शुद्ध सात्विक पुराण है। तो ये भी जैसे एक स्कूल में एक कॉलेज में नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सारी पढ़ाई होती है, ठीक है ना, लेकिन विद्यार्थी को क्या लक्ष्य क्या रखना है कि हम जिस ग्रेड में हैं उस ग्रेड में पढ़कर आगे बढ़े और एक आगे बढ़े हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो भगवान ने भी ये वेद शास्त्रों की व्यवस्था ऐसे कर रखी है कि चेतना के अनुसार हम एडमिशन लें और फिर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते रहे, है ना। तो पहले पहले कोई तमोगुणी व्यक्ति है तमोगुणी पुराणों को पढ़ेगा, है शिव पुराण और किसी अन्य कालिका पुराण ये पुराण पढ़ेगा, फिर उसका उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, अब हम तमोगुणी पुराण पढ़ रहे हैं अब रजोगुण की ओर आगे बढ़े, फिर उसका उद्देश्य क्या है, रजोगुणी पुराण पढ़ रहे हैं तो अब हम सत्वगुण की ओर आगे बढ़े, अब सत्वगुणी पुराण पद्म पुराण स्कंद पुराण विष्णु पुराण ये सत्वगुणी पुराण, सत्वगुणी पुराणों को क्या होना चाहिए, हम शुद्ध सत्व की ओर आगे बढ़े, मतलब भागवत जो है वो शुद्ध सात्विक पुराण है। तो सबका ये होड़ होनी चाहिए कि हम आगे बढ़े आगे बढ़े। अब हुआ क्या है कि समाज के लोग किसी एक पुराण को लेकर बैठ गए हैं, बस हम इसी में इसी को पढ़ते रहेंगे और इसी में मरते रहेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई लड़का स्कूल में पढ़ता है फर्स्ट ग्रेड में है, बस मैं फर्स्ट ग्रेड की पढ़ाई करूंगा सेकंड ग्रेड में नहीं जाऊंगा, तो ये तो कोई ये तो लॉस हुआ, ये तो कोई बात नहीं बनी। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी धर्म है, धर्म कोई गलत नहीं है, मनुष्य की चेतना के अनुसार धर्म और ग्रंथों का निर्माण किया गया, लेकिन धर्म और ग्रंथों को ये सोचना होगा, पालन करने वालों को सोचना होगा कि जैसे हम किसी धर्म में परफेक्ट हो जाए तो हम एक ग्रेड आगे बढ़े, हम परफेक्ट हो जाए तो और एक ग्रेड आगे बढ़े, एक ग्रेड आगे बढ़ते 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 रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से पार करके शुद्ध सत्व की ओर बढ़े, सो प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़े। इस चेतना से इस भावना से भगवान ने ये सारी व्यवस्था कर रखी है। तो कुल मिलाकर कहने का भाव यही है कि माँ यशोदा जैसी यशोदा रजसा तमसा आवृतम, रजस और तमस से आवृत होने के कारण सुतम न पश्यत, अपने कृष्ण को नहीं देख पाई। फिर हो संसार के गांव की मिट्टी और अंधकार हो या जीवन का रजोगुण या तमोगुण हो, हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। और अब जब माँ यशोदा नहीं देख पाई, और तब सुखदेव गोस्वामी ने एक सिद्धांत बताया बहुत सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं न पश्यत
न पश्यत कश्चन आत्मानम परम च अपि विमोहितः तृणावर्तनि सृष्टा भी शर्करा भी उपद्रुतः। देखिए पिछले श्लोक में क्या सुना कि यशोदा ने कृष्ण को नहीं देखा। जब यशोदा ने कृष्ण को नहीं देखा तो न पश्यत कश्चन आत्मानम, तो यशोदा ने न पश्यत कश्चन किसी को नहीं देखा, आत्मानम इवन अपने आप को भी नहीं देख पाई। ये सिद्धांत है, जब हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे तो दुनिया में किसी को नहीं समझ पाएंगे, इवन अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। और दूसरे शब्दों में, जब हमने भगवान को समझ लिया तो सबको समझ लिया, अपने आप को भी समझ लिया। लेकिन यशोदा ने कृष्ण को नहीं देखा तो न पश्यत कश्चन आत्मानम, किसी को भी नहीं देखा, परम चापि विमोहित, माँ यशोदा विमोहित हो गई। और तृणावर्तनी सृष्टा भी, तृणावर्त ने जो जो सृष्टि की थी, जो बवंडर उड़ाया था, शर्करा भी उपद्रुत, तृणावर्त के उस शर्करा बालू के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, बालू और रेत उड़ाई थी, उस रेत के कारण सब लोग अभिभूत हो चुके थे। और इस प्रकार जब कृष्ण को यशोदा ने नहीं देखा तो यशोदा की बड़ी दारुण स्थिति हो गई। अब कृष्ण के विरह में गोपियों की स्थिति तो आपने गोपी गीत में सुनी, अब कृष्ण के विरह में माँ यशोदा की स्थिति देखिए। माँ यशोदा की स्थिति बड़ी दारुण हुई। सुखदेव जी कहते हैं, इति खर पवन च कृपान शुवर्षे सूत पदवीम बला विलक्ष माता अति करुण मनु स्मरतंत्य शोचर भुवि पतिता मृतव सकायता गो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब यशोदा ने कृष्ण को नहीं देखा, इति खर पवन चक्रे पांशु वर्षे, इस प्रकार खर, खर माने जोर जोर से पवन, पवन बहा था, चक्रवात हुआ था, और पांचु वर्षे धूलों की वर्षा हुई थी। उस धूलों की वर्षा के कारण सूत पदवीम अबला अविलक्ष माता, यशोदा ने अपने पुत्र को तो नहीं देखा लेकिन पुत्र के चरण चिन्ह को भी नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनेक चिन्ह है, छोटे से कृष्ण जब चलते तो कृष्ण के चरण चिन्ह धूल में माटी में उस स्थान पर पड़ जाते हैं, माँ यशोदा उसे देखा करती थी। लेकिन आज माँ यशोदा ने अपने पुत्र के चरण चिन्ह को भी नहीं देखा। कारण, कारण कि बहुत सारी अपांशु वर्षे धूल की वर्षा हुई थी, और धूल की वर्षा के कारण वह कृष्ण के चरण चिन्ह भी ढक गए थे, वे अदृश्य हो चुके थे। बहुत सुंदर बात समझने लायक, सूत पदवीम, जब अपने सूत अपने पुत्र को नहीं देखा, इवन पुत्र के चरणों को नहीं देखा, तो अबला, तो माँ यशोदा अबला, यशोदा को यहां पर अबला कहा गया। आप संधि विच्छेद करोगे तो इस श्लोक से निकलता है अबला। अबला क्यों है, माँ यशोदा को अबला क्यों कहते हैं, क्योंकि तत् दर्शने उपाय असमर्था, क्योंकि माँ यशोदा को कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है इस संसार में। अबला, बल, बला माने बल, शक्ति, और अबला माने जिसमें बल न हो, जिसमें शक्ति न हो। तो दो 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 चीज हैं, एक है अबला और दूसरा है सबला, माने बलवान। एक है जिसमें बल नहीं होता उसे अबला कहते हैं, और जिसमें बल होता है उसे बलवान कहते हैं। बलवान का ऑपोजिट है अबला, बल बिगर का। तो अब यदि आपके मन में प्रश्न हो कि बलवान कौन है और बिना बल का कौन है, तो अबला की डेफिनेशन देते हुए कहते हैं अविलक्ष माता,
जिसे कृष्ण का दर्शन नहीं होता, जिसे कृष्ण नहीं मिलते, वो सब अबला है, मतलब उनके पास कोई बल नहीं है। और जो कृष्ण को देख लिया, जो कृष्ण को पा गया, वो बलवान है। इस दुनिया में खा पो पीकर मोटे बनकर गोले फोले बनाकर कोई बलवान नहीं बनता। सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि से बलवान कौन है? जो कृष्ण को देख पाए, कृष्ण को समझ पाए, कृष्ण का दर्शन कर पाए, वो बलवान है। अन्यथा माँ यशोदा की तरह अबला, जो आज कृष्ण का दर्शन नहीं कर रही है। अनुस्मरंती कृष्ण का बार बार कहते हैं, अति करुणम अनुस्मरंती, माँ यशोदा अति करुणा से करुण होकर रोते हुए कृष्ण का, हा कृष्ण, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए। जैसे कल का इतिहास, मारवाड़ की मीरा, कृष्ण नहीं मिलने पर मीरा ने विराप किया था, दर्श बिन दुख न लागे नैन। मीरा कहती है, दर्श बिन दुख न लागे नैन, जब के तू बिछुरे प्रभु मोरे, जब के तू बिछरे प्रभु मोरे, कब हुन पा यो चैन, दुख न लागे नैन, दर्श बिन दुख न लागे नैन। मीराबाई कहती है कि दर्श बिन, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, कृष्ण आपके दर्शन के बिना दुख न लागे नैन, दुख न माने मेरे नैन दुखने लगे हैं, बिना दर्शन के दुखन मेरे नैन दुखने लगे हैं, अर्थात मेरे आंखों से आंसू की धारा बह रही है। जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे, हे प्रभु जब से आप मुझसे बिछड़े हो, कब हुन पायो चैन, मुझे किसी भी प्रकार का चैन नहीं है, मुझे कोई कहीं शांति नहीं है। ऐसी अवस्था हमारे जीवन में कब आएगी? हमारा तो क्या है ना, भगवान जब बिछड़ जाते हैं तो हमें आनंद आता है। कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। हमारा तो ना क्या ना, जैसे कथा अंत होती है, आ खत्म हुआ यार, डेढ़ घंटे से उपाड़ा लिया था, उपाड़ा लेते ना, डेढ़ घंटे से दो घंटे से उपाड़ा लिया था। लेकिन धन्य है मेरा भाई, धन्य है माँ यशोदा, जब के तुम बिचरे प्रभु मोरे, कब हुन पायो चैन, क्यों दर्श बिन दुख न लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतियां कापे, माँ यशोदा या माँ मीराबाई, कृष्ण हे लाला, तुम्हारे शब्द को याद करके मेरी छाती कांप रही है। मीठो लागे बैन बिरह कथा का सो कहूं सजनी, वह गई करवट कैन। ये कृष्ण के विरह की व्यथा मैं कितनी कहूं, क्या बताऊं, ये कहने लायक नहीं है। इसलिए कल न परत पल हरि मग जोवत भई क्षमासी रे, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, दुखत में सुख देन। हे कृष्ण, हे मीरा के प्रभु, आप कब मिलोगे और दुख मेटन, दुख को मिटाकर सुख देन, कब आप हमें सुख दोगे। सो इस प्रकार से माँ यशोदा कल्पांत करने लगी, माँ यशोदा रोने लगी, और रोते हुए कहते हैं चौथी लाइन में, भूवी पतिता मृतवत्स का यथा गो। आहा,
माँ यशोदा भूवी पतिता, भूमि के ऊपर गिर गई, दर्श बिन दुख न लागे नैन, कृष्ण तुम्हें देखे बिना अब आंखें तड़प रही हैं, अब मेरी स्थिति गंभीर हो रही है। और यह कृष्ण को याद करते करते भूवी पतिता भूमि के ऊपर गिर गई, माँ यशोदा मूर्छित हो गई। सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, भूवी पतिता जाता भूमि के ऊपर गिरी कैसे, क्रिया शक्ति लुप्ता, किसी भी प्रकार की क्रिया शक्ति माँ यशोदा के अंदर नहीं रही, ज्ञान शक्ति लुप्ता, ज्ञान शक्ति न रही, और वदन मूर्छिता, और बिल्कुल मूर्छित सी हो गई माँ यशोदा, गिर गई। सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि माँ यशोदा कैसे गिर गई, तो कहते हैं मृत वत्सका यथा गौ, जैसे किसी गौ माता के वहां बछड़े का जन्म हो और वह गौ माता उस बछड़े से बहुत लाड़ प्यार करती है, प्रेम करती है, और अचानक बछड़े की मृत्यु हो जाए, बछड़ा मर जाए, और जैसे गौ माता कल्पांत करती है, रुदन करती है, गौ माता रोती है, वैसे माँ यशोदा कल्पांत करने लगी, माँ यशोदा जोर जोर से रोने लगी। सो भूवी पतिता मृत वत्सका यथा गौ, गौ माता का कोई वत्सक, कोई वत्सल, कोई बालक, कोई बछड़ा मर जाए, वैसे माँ यशोदा कल्पांत करने लगी। और भक्तों, केवल माँ यशोदा ही कल्पांत नहीं कर रही, सारे ब्रजवासी भी दुखी हैं, और ब्रजवासियों के दुख का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं, रुदित मनो निशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्त धियो अश्रुपूर्ण मुख्य रुरुदुरनु उपलभ्य नंद सुनु पवन उपा रथ पांशु वर्ष वेगे। यशोदा के साथ ब्रजवासी भी रोने लगे। रुदितम अनुनिशम्य, सुनकर के काना कहीं चला गया, कृष्ण कहीं मिल नहीं रहा है, कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं, ये सुनकर रुदितम, तत्र गोपियों, सारी गोपियां रोने लगी। भृशम अनुतप्त, अत्यधिक संतप्त होने लगी, कल्पांत करने लगी। और दीय अश्रुपूर्ण मुख्य, अपनी बुद्धि में अफसोस करने लगी ये अन्य गोपियां कि हमारी मति मार चुकी थी कि हम कृष्ण को छोड़कर दूर चली गई, हम रोज इसी समय पर कृष्ण के साथ खेलती थी, कृष्ण को खिलाती थी, आज हमारी मति को क्या हो गया कि हम कृष्ण को छोड़कर, और जो आंधी तूफान आई तो हमें कृष्ण के पास आ जाना चाहिए। सारी गोपियां इस प्रकार से कोस रही हैं अपनी बुद्धि को, और अश्रुपूर्ण मुख्य आंखों में आंसू है, और रुरुदु अनुपलभ्य अनुपलभ्य नंद सुनु, नंद के पुत्र को उपलब्ध न करके रुरुदु गोपियां जोर जोर से रोने लगी, और पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे है, और इस प्रकार से गोपियां रो रही हैं, और रोते रोते धीरे 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 ये जो पवन चल रहा था, चक्रवात चल रहा था, ये सब कुछ जो आंधी तूफान आई थी, धीरे 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 करके ये सब कुछ शांत हो गया। तो तूफान आंधी शांत हो गई, लेकिन गोपियों का रोना शांत नहीं हुआ, माँ यशोदा का कल्पांत शांत नहीं हुआ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि यहाँ तो ये सब रो रहे हैं, कृष्ण के विरह में हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, कृपया करके आप सुनाइए कि क्या त्रिणावर्त कृष्ण को लेकर चला गया, और यदि त्रिणावर्त कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ा तो फिर आकाश में जाकर कृष्ण ने क्या किया, किस प्रकार से त्रिणावर्त को पकड़ा, किस प्रकार से मारा, किस प्रकार से गिराया, कृपया करके सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कल हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों को हम धन्यवाद करते हैं। आइए जय घोष के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्री कृष्ण चंद्र भगवान के
श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अति पावन पुराण की आरती, अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण रस रस निदान की आरती, अति पावन पुराण की। मथनि त्रिताप निवारिणे, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणे, सेवत सतत सकल कारिणे, देवत सतत सकल सुख कारिणे, सुमहो शति हरि चरित गान की आरती, अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिने, विषय विलास विमोह विनाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने, विमल विराग विवेक विकाशिने, भगवत तत्व प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती, अति पावन पुराण। Thank you.
हंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की